इसके बाद आपका अध्याय दो जो कि है थ्रिल्स ऑफ कान्हा किसली, ये आपको देखने को मिलता है। जो कान्हा नेशनल पार्क है उसके ऊपर ये पूरा चैप्टर है, तो इसको भी हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में कान्हा किसली इज अवे फ्रॉम बालाघाट इन एमपी, तो यहाँ पर आप इसका उत्तर कर देंगे 83 किलोमीटर, 83 किलोमीटर। दूसरा देखिए, देव विजिटेड कान्हा किचली विद हिज, अगर आपने कान्हा किचली का जो चैप्टर पढ़ा है तो देव कहाँ गया था, तो वो किसके साथ गया था, विद विद यानी किसके साथ, तो वे कजन्स के साथ गया था। चलिए अगर आप वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन थर्ड, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी कान्हा किचली इज सिचुएटेड, तो यहाँ पर आप इसका उत्तर लिखेंगे जबलपुर। अगला देखिए, वेयर हैज देव रिसेंटली विजिटेड, तो कान्हा किचली नेशनल पार्क, तो देव कहाँ गया था, कान्हा किचली नेशनल पार्क में गया था। इसके बाद क्वेश्चन पाँच है, राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ मंकी, तो हमें क्या प्लूरल फॉर्म लिखना है, किसका, मंकी का, तो क्या हो जाएगा, मंकीज। ओके, यहाँ पर आप मंकी का मंकीज कर देंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन सिक्स आपका स्टार्ट होता है। क्वेश्चन सिक्स है कि राइट द अपोजिट जेंडर ऑफ टाइगर, तो हमें अपोजिट जेंडर टाइगर का लिखना है, यानी कि उल्टा लिखना है, टाइगर का उल्टा, तो ये हो जाता है टिग्रेस। ओके, टिग्रेस। चलिए क्वेश्चन सात देखिए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, क्वेश्चन सात पहला जो है आपका, क्वेश्चन सातवा, राइट द नेम ऑफ एनी एनिमल फाउंड इन कान्हा किचली, तो आपको जो कान्हा किचली जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें जो आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा नेशनल पार्क में कोई भी एक जानवर, तो यहाँ पर एलिफेंट भी था वहाँ पर, तो हमने वो एलिफेंट लिख दिया है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन आठ, क्वेश्चन आठ यहाँ पर देखिए कि वेयर डज देव्स अंकल वर्क, है ना, तो जो अंकल, जो देव्स के अंकल थे वो कहाँ पर वर्क कर रहे थे, करते हैं, तो देव्स अंकल इज ए मैनेजर इन एमपी, तो जो देव्स के अंकल हैं वो मैनेजर हैं इन एमपी स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट, स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट में मध्य प्रदेश में वो क्या हैं, एक मैनेजर हैं। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नाइन, नेम एनी थ्री नेशनल पार्क इन इंडिया, तो यहाँ पर पहला लिखेंगे कान्हा किचली नेशनल पार्क, गांधी नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क। इंडिया का बोला है तो आपको बहुत सारे और भी हैं, आप चाहें तो उनका लिख सकते हैं, जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क है ना, बहुत सारे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नौ के बाद क्वेश्चन दस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दस में है कि रीराइट द सेंटेंस चेंजेस द जेंडर ऑफ द नाउन्स, तो मिस्टर शर्मा इज ए गुड एक्टर, तो हमें क्या करना है, रीराइट करना है द सेंटेंस चेंजिंग द जेंडर ऑफ द नाउन्स, है ना, तो इसका करेंगे मिस्टर शर्मा इज ए गुड एक्टरेस। ठीक है, हमें जेंडर चेंज करना है, एक्टर है तो एक्टरेस कर देंगे। ठीक है, चलिए अब लॉन्ग आंसर टाइप में आपको देखिए, यहाँ से आपका क्वेश्चन 10 कंप्लीट होते हैं, पर क्वेश्चन 11 आता है। क्वेश्चन 11 में देखेंगे, राइट 5 to 7 लाइन्स अबाउट टिग्रेस टाइगर्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 5 से 7 लाइन लिखना है टाइगर्स के ऊपर, तो यहाँ पर पहली लाइन लिखेंगे टाइगर इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, यानी कि आप यहाँ से पहला पॉइंट इस तरीके से लिखेंगे, पर दूसरे लिखेंगे टाइगर इज ए वाइल्ड एनिमल एंड इट लिव्स इन जंगल, और वह कहाँ पर, जंगल में रहते हैं। टाइगर हैज ए बिग एंड स्ट्रॉन्ग बॉडी, टाइगर के पास एक बड़ी और ताकतवर बहुत शरीर होता है। टाइगर आर येलो इन कलर, टाइगर्स और विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन द बॉडी। इसके बाद क्वेश्चन और सॉरी पांचवा पॉइंट लिखेंगे, 5 से 7 लिखना, तो 5 हमने यहाँ पर लिख दिया है, पर क्वेश्चन 12 है आता है, क्वेश्चन 12 आपकी स्क्रीन पर ये लिख लेना है, स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा हो इस तरीके से। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इंफॉर्मेशन डिड देव गिव अबाउट बर्ड्स इन कान्हा किचली। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीन पर आपको ये क्वेश्चन का आंसर दिख रहा होगा, जल्दी से इसका आंसर लिख लीजिएगा।